बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आप लोगों के लिए जो बाइक लेके आए हैं वो सुजुकी GS 150 है। तो वैसे तो आपने मोस्टली काफ़ी GS 150 देखी होंगी, मगर जो कि ये बाइक है इसके जो कि ज़्यादातर ये जिस भाई की है वो टूरिस्ट हैं और वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टूर कर चुके हैं, कश्मीर तक के भी कर चुके हैं। और उनके बताने के मुताबिक ये है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और मतलब इसके अंदर जो भी स्पेसिफिकेशन है बाकी इससे जो कंपेटिटर उसकी नस्बत बहुत अच्छे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस बाइक का भी रिव्यू कर लिया जाए। तो सबसे पहले अगर बाइक की फ्रंट लुक की बात करें, बाइक की फ्रंट लुक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और जो कि सबसे पहले मैं आपको बल्कि इसकी प्राइस बता दूं, जो कि इसकी प्राइस है वो 2,71,000 है। तो जो कि कंपनी ने अब ये जो बाइक है वो बंद कर दी है, और क्योंकि इसके अंदर अलॉय व्हील वाला जो कि वेरियंट है वो बंद है, अब जो कि आ रहा है वो इसके वायर वाला वेरियंट आ रहा है। इसके अलावा अगर बाइक की फ्रंट लुक की बात करें, बाइक की फ्रंट लुक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा ये जो चीज़ है ये आपको आफ्टर मार्केट सारी मिली हुई मिल जाती है। बाइक के जो के फ्रंट के इंडिकेटर हैं और जो कि जितने भी इंडिकेटर हैं ये आपको हेलोजन बल्ब में मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर बाइक के जो के फ्रंट मडगार्ड की बात करें, ये आपको जो के आयरन में मिल जाते हैं, और जो के इसके जो के बॉडी टोन है उसमें मिल जाते हैं ब्लैक के अंदर ही। जो कि बाइक के आप फ्रंट व्हील की बात करें, फ्रंट व्हील आपको जो कि पैंथर में इसका व्हील मिल जाता है। उसके अलावा आपको ये अलॉय व्हील के साथ मिलता है व्हील आपको। इसके अलावा अगर मैं आपको बाइक के जो कि फ्रंट की जो कि आफ्टर मार्केट चीज़ें लगी हैं वो दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको ये लाइट्स वगैरह जो सब कुछ ये आपको आफ्टर मार्केट लगी हुई मिल जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको अगर चला के भी दिखा दूँ इसकी जो कि लाइट्स हैं, तो ये देखें अगर आप इसके, तो ये अगर आप देख सकते हैं ये आप भाई ने यहाँ पर जो कि डबल इंडिकेटर इसका करवाया हुआ है, ये इसका ये बटन हो गया। इसके अलावा एक ये देख सकते हैं जो कि ये उल्लू की आंखें लग रही हैं, और भाई ने बड़ी खूबसूरत और मतलब यूनिक चीज़ एक लगाई है, ये मतलब रात के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ साबित होती है। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये आपको ये वाली लाइटें इसके जो कि मिल जाती हैं, तो इसको करते हैं बंद। और ये देख सकते हैं अगर आप इसके अंदर येलो लाइट को मतलब चलाना चाहें तो आपको मर दिए, उसके अलावा फॉग वगैरह के लिए, उसके अलावा अगर आप इसको वाइट चलाना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी। ये एक बड़ा अच्छा एक ऑप्शन मुझे भी लगा है, और बड़ी एक यूनिक चीज़ है जो कि मैंने पहले बाइक में देखी है। बाकी बाइक की साइड प्रोफाइल पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें, तो फ्यूल टैंक जो कि आपको यहाँ पर 12 लीटर का मिलता है, मगर इसके अंदर जो कि हिलाहलू के 14 लीटर पेट्रोल आ जाता है। उसके अलावा बाइक के अगर इंजन स्टार्ट की बात कर लें, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको सल्फ का भी ऑप्शन मिल जाता है, उसके अलावा आपको किक का भी ऑप्शन मिल जाता है। और जो कि इसका एग्जॉस्ट मिलता है वो आपको जो कि क्रोम में मिलता है, जो कि इसकी बाइक की लुक को बहुत ज़्यादा प्यारा बना रहा है। तो बाकी बाइक की जो कि सस्पेंशन है, इसकी सस्पेंशन के बारे में भी बताया गया कि बाइक की सस्पेंशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मगर इसका यह है कि इसके मतलब एक्सल से लेकर नीचे 2 पार्ट है, मतलब इसके अगर सस्पेंशन सिर्फ व्हील की बात कर ली जाए तो वो अलहदा जंप वगैरह कवर कर लेते हैं, और नीचे वाला जो इसका हिस्सा है वो अलहदा कवर कर लेते हैं। बाकी बाइक के अगर मैं आपको बैक प्रोफाइल के बारे में बता दूँ, तो बाइक के अगर आप बैक प्रोफाइल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो कि कंपनी की तरफ से आपको इसका बैक कैरियर मिल जाता है, और इसका जो कि बैक लाइट है ये आपको हेलोजन बल्ब में मिलता है। बैक इंडिकेटर भी आपको हेलोजन में मिल जाते हैं, साथ ही अगर आप इसके बैक मडगार्ड की बात करें तो ये भी आपको जो कि लोहे में मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर इस साइड पे आ जाएं बाइक के, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ बाइक का जो कि बैक व्हील है वो भी आपको जो कि अलॉय व्हील के साथ मिलता है, और इसके अंदर जो कि आपको ड्रम मिलता है। फ्रंट वाली जो इसका है बड़ा टायर, उसके अंदर आपको डिस्क मिलती है सिंगल डिस्क, मगर इस जो कि रेयर है उसके अंदर आपको ड्रम मिल जाता है। बाकी जो कि चैन कवर भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सिंपल डिज़ाइन में है, जो कि सिल्वर कलर में आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर बाइक के इस साइड से देख लें, तो यहाँ पे आपको सिंपल जो कि पाकिस्तानी स्टाइल में जो कि इसका गियर जो कि लीवर मिल जाता है, जो कि मतलब मोस्टली आपको बाइक में नज़र आ जाता है, जो कि अक्सर है जो कि बाहर की बाइक हैं जो 150 cc या कुछ स्पोर्ट्स बाइक हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ छोटा सा पार्ट मिलता है, मगर इसके अंदर आपको पूरा न्यूट्रल निकालने के लिए और गियर लगाने के लिए आपको पूरा एक पार्ट मिल जाता है। तो ये था आज बाइक का रिव्यू, जो कि बाइक की जो कि प्राइस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि 2,71,000 है। उसके अलावा जो कि बाइक के अगर फ्यूल की एवरेज की बात करिए, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन होता है कि किसी जो चीज़ दी जाती है जिस तरह फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो फ्यूल की क्या एवरेज है बाइक की, तो इस बाइक की जो कि फ्यूल की एवरेज है वो आपको 45+ और 50 के बिटवीन मिल जाती है। वो अगेन ड्राइवर पे डिपेंड होता है कि वो किस तरह उसको यूज़ करता है। बाकी आए मैं बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको दिखाता हूँ, इसके जो कि साउंड भी टेस्ट करवा देता हूँ, जो कि इसका कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट है उसका साउंड कैसा है। तो बाकी चले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो कि लाइट्स वगैरह भी हैं गाड़ी के, जो कि मैंने आपको लाइट दिखाए थे। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ली जाए, यहाँ पे देखें आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर, न्यूट्रल और हेडलाइट का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। इस साइड पे आपको आरपीएम मीटर का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई ने एक बड़ा अच्छा जो कि काम करवाया है, क्योंकि ये बाइक ज़्यादातर टूरिस्ट के
लिए यूज़ होती है टूर के लिए। तो ये देखें यहाँ पे आपको जो कि टाइम मिल जाता है। नीचे अगर आप इस डब्बी को ओपन करें तो ये देखें आपको यहाँ पे सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मिल जाता है। और इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ये इसका जो कि फ्यूज़ है, यहाँ पे आप मोबाइल की चार्जिंग के लिए आपको बटन मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपको सारा डिस्प्ले भी हो रहा होगा, ये देखें ये सारा आपको यहीं पे मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखें आपको टूर के लिए अगर मतलब मैप वगैरह लगाना तो यहाँ पे आपको मैप मिल जाता है, मैप के लिए मोबाइल मिल जाता है मोबाइल होल्ड करने के लिए। और उसके अलावा जो कि इसके सारे अगर इसकी लाइट्स के जो कि कंट्रोल्स की बात कर लें, यहाँ देख लें जो कि आपके डबल इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है ये वाला जो कि बटन एक्स्ट्रा लगवाया हुआ, और ये आपको सारे इसकी जो कि एक्स्ट्रा लाइट गाड़ी के अंदर मैंने दिखाई आपको उनका मिल जाता है। ये देखें जिस तरह के सिगरेट लाइटों को लगाया था मगर ये गर्म भी हो चुका है, मगर अब मैं आपको यहाँ पे इसका टेस्ट नहीं करवा सकता, सिर्फ ये दिखा सकता हूँ कि ये रेड हो गया था जो कि वर्किंग में है अभी तक। उसके अलावा हम इसको क्या करेंगे, दोबारा करेंगे बंद, इसको बंद करेंगे। ये आपको देखें बड़ी अच्छी सी एक लोकेशन पे बटन दिया और बड़ा मज़ेदार बटन है जो कि अगर आप इसको आगे वाली साइड पर करेंगे तो येलो लाइट्स चल पड़ेंगी, अगर आप इसको इस साइड पर करेंगे सॉरी अगर पीछे करेंगे तो येलो चलेंगे, अगर इसको आगे वाली साइड पर करेंगे तो इसकी वाइट लाइट चल जाएंगी। तो बाइक के अगर यहाँ तक देखें तो ये आपको इंजन कट ऑफ का जो कि इंजन समझे एक पुश स्टार्ट का बटन ही काम करता है, और यहाँ पे आपको सलफ का बटन मिल जाता है, जहाँ पे आपको इसकी हेडलाइट्स का बटन मिल जाता है, जहाँ आपको हाई लो बीम इंडिकेटर और हॉर्न का जो कि ऑप्शन मिल जाता है। तो ये थे बाइक के स्पेसिफिकेशन। तो जहाँ तक बाइक के जो कि साउंड टेस्ट की बात है, वो मैं आपको इसके जो कि ओरिजिनल कपरी फिटेड एग्जॉस्ट है उसके अंदर आपको इसका साउंड भी टेस्ट करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, तो बाइक का जो देख सकते हैं आप जो कि रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मतलब उसी टाइम मिला आपको, जिस तरह के मैंने सिर्फ सेल्फ के ऊपर रखा ही हाथ और बाइक ने जल्दी से इंजन स्टार्ट कर दिए। बाकी इंजन का मैं आपको साउंड सुना देता हूँ, देख सकते हैं जो कि बाइक का जो कि ओरिजिनल एग्जॉस्ट है कंपनी फिटेड। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा जो कि टूरिस्ट बाइक है। आपको भी आइडिया होगा कि टूर के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इस तरह की लाइट्स और आपको जो इसके सिगरेट लाइटर अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसके लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी चार्जिंग पोर्ट आपको यूज़ है, उसके अलावा भाई ने बताया कि वो यहाँ पे इसके स्पेयर जो कि एक्स्ट्रा बॉक्स भी लगवाना चाहते हैं क्योंकि आगे प्रॉपर इनका ग्रुप भी है, तो उसके लिए इन्होंने मतलब सारा मतलब कश्मीर नारान का गांव तक ये भाई जाते हैं, तो उसके लिए वो बता रहे थे कि इसके लिए एक्स्ट्रा भी चीज़ें लगानी है। तो जब वो लगाएंगे इंशाल्लाह दोबारा इस बाइक का रिव्यू कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना है, भूल ना जाना कहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।